हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको न्यूबॉर्न बेबी के स्वेटर में इस तरह से स्लीव लगाना बताऊंगी। ये मैंने स्वेटर पहले ही बना रखा था, इसमें मैं आपको स्लीव लगाना बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले हम इस तरह के स्लीव बनाने के लिए एक फंदा लगाएंगे। ये मैंने एक फंदा लगा लिया है। इसके बाद हम इस फंदे में 20 चेन निकालेंगे, इस तरह से 1 2 3, टोटल 20 चेन हम इसमें निकाल लेंगे। ये मैंने 20 चेन निकाल ली हैं इस तरह से। इसके बाद हम दो एक्स्ट्रा चेन बुनेंगे, इन दोनों एक्स्ट्रा चेनों को छोड़ेंगे और 20 नंबर वाली चेन को भी हम छोड़ देंगे। जो 19वें नंबर की चेन है उसमें हम क्रोसिया को इस तरह से डालेंगे और ऐसे डबल क्रोसिया की बुनाई का एक फंदा निकाल लेंगे। उसके बाद हर चेन में हम डबल क्रोसिया की बुनाई करेंगे, इस तरह से हर चेन में डबल क्रोसिया की बुनाई करते हुए जाएंगे और इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से इस लाइन को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हम दो चेन बुनेंगे और इसको पलट लेंगे। ये जो दो चेन हम बुनते हैं ये हमारा पहला फंदा हो जाता है। अब देखिए, जो हम ऊपर की चेन में बुनते थे ना, इसकी बजाय हमें इसको नीचे से फंदे को उठाना है, पहले को छोड़ के, क्योंकि पहला हमारा हो गया ऊपर वाला, दो जो एक्स्ट्रा चेन बुनी थी, सेकंड वाले को इस तरह से उठा के हम बुनेंगे और इसका बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर की वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये देखिए, इस तरह से हम एक पीछे की साइड उठाएंगे, इस तरह से। आपको ये बॉर्डर डिटेल में जानना हो तो आप इसकी वीडियो जाके देख सकते हैं। फिर से हम एक फ्रंट साइड से उठाएंगे, इस तरह से एक फ्रंट साइड से और एक बैक साइड से उठा के हम पूरा बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए, पूरी लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने एक लाइन कंप्लीट कर लिया बॉर्डर की। इसके बाद मैं इसको ज्वाइन करना भूल गई थी पिछली लाइन में, आप पहले ही ज्वाइन कर लें वरना आप इस लाइन में भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ये जो सबसे पहले वाली हमारी तीन एक्स्ट्रा चेन थी ना, उसमें जो सबसे ऊपर वाली है, देखिए इसमें हम डालेंगे और स्लिप स्टिच से इसको इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। अब हम राउंड में बुनाई करेंगे। देखिए, दो चेन ली हमने। अब इसके बाद ये पहला फंदे के ऊपर की तो हमारी दो एक्स्ट्रा चेन होगी, सेकेंड वाला फंदा ये देखिए हमारा एक अंदर है एक ऊपर है। ये देखिए, एक पीछे की साइड उभरा हुआ है, एक आगे की साइड। तो जो आगे की साइड उभरा हुआ है उसे आगे की साइड ही हम बुनेंगे और जो पीछे की साइड है उसे पीछे की साइड उठा के ही हम बुनेंगे। देखिए इस तरह से, ये देखिए, एक मैंने बैक साइड से उठाया, फिर से जो फ्रंट साइड का था उसे फ्रंट से उठाया और जो बैक साइड का था उसे बैक साइड से उठा के पूरी लाइन मैंने कंप्लीट कर ली। अब फिर से हम तीन चेन बुनेंगे, सबसे ऊपर वाली चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ ये राउंड भी हम ख़त्म कर देंगे। अब इसके बाद हम दो चेन बुनेंगे और ये हमारा पहला फंदा हो गया। अब सेकंड वाले से हम फिर से ऊपर की साइड उठा हुआ है उसे ऊपर की साइड लेंगे और जो पीछे की साइड है उसे बैक साइड लेंगे। इस तरीके से ये वाली राउंड भी हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से मेरी पूरी राउंड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम स्लिप स्टिच के साथ इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे। हमारा बॉर्डर तैयार हो गया है। अब हम ये जो ऊपर की चेन है इनमें हम अपनी बुनाई शुरू करेंगे। ये देखिए, हमारी सादा बुनाई यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, इस तरह से। इसके लिए हम इस तरह से हम दो चेन बुनेंगे। दो चेन बुनने के बाद आप ध्यान दीजिए, जिसमें से हमने दो चेन बुनी है ना, ये पहले फंदे के ऊपर की चेन हो गई तो हम पहले को स्किप नहीं करेंगे, उसी चेन से हमें इसमें बुनाई शुरू कर देनी है, क्योंकि हमें हर लाइन में एक फंदा इंक्रीज करना है। तो हमें स्टार्टिंग वाली चेन से ही बुनाई शुरू कर देनी है और लास्ट वाले फंदे को भी हमें नहीं छोड़ना है। तो ये देखिए, अब मैंने पूरी लाइन कंप्लीट करके लास्ट तक आ गई हूँ। अब ये देखिए, ये जो लास्ट का फंदा है ना, इसको हमें छोड़ना नहीं है। अगर आप फंदों को लास्ट में ढीला लेंगे तो ये लास्ट वाले फंदे में ईजीला आपका क्रोसिया ईजीली चला जाएगा। ये देखिए, इस तरह से मैंने क्रोसिया डाला और इस लास्ट वाले फंदे में से भी मैंने निकाल लिया। तो इस तरह से हर लाइन में मेरा एक फंदा इंक्रीज हो जाएगा। फिर से हम स्लिप स्टिच लगाएंगे और इसको ख़त्म करेंगे। इसी तरह से हम 15 लाइन पूरी बुन लेंगे। इसी तरह से बुनते जाएंगे, सेम उसी
चेन में से हमें निकालना है जहाँ से हम बुनाई करते हैं। देखिए इस तरह से हमारा हर लाइन में एक एक फंदा बढ़ता हुआ चला जाएगा। हम टोटल 15 लाइन यहाँ तक बुनेंगे। ये देखिए मैंने 15 लाइन पूरी कंप्लीट कर ली है इस तरह से। अब 15 लाइन कंप्लीट करने के बाद हमारा पास हर लाइन में एक फंदा बढ़ के ऊपर 35 फंदे हो गए हैं, क्योंकि हमारे पास पहले 20 थे, फिर हमने 15 लाइन में एक एक फंदा बढ़ाया, 15 फंदे बढ़ गए, तो हमारे पास टोटल 20 फंदे हो गए। अब ये देखिए हमें यहाँ से गोलाई देनी है, ठीक है, इस तरह से, तो गोलाई ताकि हमारी स्लीव्स इसमें अच्छे तरह से गोलाई में आ जाएँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो करें वरना ना करें। इस तरह हम एक चेन निकाली है मैंने सिर्फ, और उसी फंदे में से मैं हाफ़ डबल क्रोशिया निकालूंगी। इसके बाद अगले फंदे में से भी हाफ़ डबल क्रोशिया निकालूंगी, फिर अगले फंदे में से भी हाफ़ डबल क्रोशिया निकालूंगी। ये देखिए इसी तरह से हम लास्ट में भी करेंगे सेम इसी तरीके से गोलाई देने के लिए। अब इसके बाद अगली चेन से मैं डबल क्रोशिया की बुनाई अपनी शुरू कर दूँगी इस तरह से। ये देखिए मैंने पूरी लाइन डबल क्रोशिया की बुनाई से कर लिया है, और मैंने चार फंदे छोड़ दिए हैं क्योंकि मैं तीन फंदों में हाफ़ डबल क्रोशिया निकालूंगी और लास्ट में सिंगल। ये देखिए ये मैं हाफ़ डबल क्रोशिया निकाल रही हूँ लास्ट के तीन फंदों में इस तरह से, ताकि हमारी स्लीव में थोड़ी सी गोलाई आ जाए। और ये जो लास्ट वाला फंदा होता है इसमें मैं एक सिंगल क्रोशिया निकालूंगी। और अब इसमें पहले वाली चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ इस राउंड को ख़त्म कर देंगे और फिर से एक चेन बुनेंगे और सेम इसी तरीके से एक राउंड और कंप्लीट कर लेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरीके से तीन तीन हाफ डबल क्रोशिया निकाल के। ये देखिए मैंने पूरी लाइन कंप्लीट की, बॉर्डर तीन लाइन का था, उसके बाद 15 लाइन बुनी, उसके बाद दो लाइन गोलाई के लिए बुनी, मैंने टोटल 20 लाइन बुन ली है। इसमें 20 लाइन बुनने के बाद मैंने ये धागा यहाँ से काट दिया है, इसी से हम इसको सिलेंगे। अब ये मेरे पास स्वेटर पहले का बना हुआ था, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब इस स्वेटर को मैंने उल्टा कर लिया है, उल्टा करने के बाद बाजू मेरी बिल्कुल सीधी है, ये स्लिप मैंने बिल्कुल सीधी रखी हुई है। स्वेटर को उल्टा करके उसके अंदर हम इस तरह से स्लिप को डालेंगे और इस तरह से मिलाएंगे, ठीक है। और ये जो धागा हमने तोड़ा था इसमें हम सुई डाल के इसी से हम इसको यहाँ से सिलना शुरू कर देंगे। ये देखिए मैं आपको सिल के दिखाती हूँ, इस तरह से हम इसको पूरी बाजू को सिलते हुए चले जाएंगे। ये मेरा स्वेटर पहले का बना हुआ था, तो इसमें बाजू पे बॉर्डर बना हुआ है। जब आप स्वेटर बनाएं तो आपको ये आर्म होल पे जो बॉर्डर मैंने क्रीम कलर का बनाया हुआ है इसको ना बनाएं। देखिए अब मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ, ये मेरी बाजू जुड़ गई है इस तरह से, मेरी बाजू जॉइंट हो गया इसमें। अब मैं दूसरी बाजू भी जोड़ लूँगी। ये देखिए ये मैंने दोनों बाजू इसमें जोड़ लिए हैं, और ये जो लास्ट में जो हमारा थोड़ा सा रह गया था इसको भी हम जॉइंट कर देते हैं क्रोशिया से, स्टार्टिंग में जो हम छोड़ दिया था वो। ये देखिए इसको भी मैंने जॉइंट कर लिया है, धागे को तोड़ दिया मैंने। अब ये मेरा स्वेटर पूरा तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।